सब स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और कल जैसा कि है शिवरात्रि, कल 18 तारीख को 18 फरवरी को है शिवरात्रि। और मैं अभी आया हूँ मनोकामना नाथ मंदिर स्टेशन सीतामढ़ी स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर मानसा चौक पे ये मंदिर पड़ता है, तो वही मैं आया हूँ। और मंदिर में और आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुछ। अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है। देख सकते हैं छोटा वाला भक्त है ये भोले। यहाँ माता पार्वती का छोटा प्रतिमा है। ये है गणपति महाराज जी। इस मंदिर के पीछे ही यहाँ पे शिवरात्रि का जो मूर्ति बनता है, जो काफ़ी दिनों से मूर्ति बनता आ रहा है, परंपरा यहाँ की है। शिवरात्रि में बारात जो निकलती है तो काफ़ी वहाँ पे भीड़ रहती है, उत्साह रहता है, उसके लिए मूर्ति बनाया जाता है। तो मिलेंगे मूर्तिकार से और इस तरह का मूर्ति बन रहा है वो देखेंगे, और काफ़ी इंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो, तो बने रहिए आगे मेरे साथ। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मंदिर के पीछे, यहाँ पे मूर्ति का निर्माण हो रहा है जो कल पूजन में आपको देखने के लिए मिलेगी भव्य छवि, और यहाँ बैठे हुए हैं मूर्तिकार। तो चलिए, तो बताइएगा अंकल जी, कितने दिनों से आप मूर्ति निर्माण कर रहे हैं शिवरात्रि के लिए? 34 वर्ष से। तो ये 34 वर्षों से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं शिवरात्रि में, इन्हीं के हाथों से मूर्ति बनता है और काफ़ी भव्य मूर्ति रहता है इनका। यहाँ से लेकर नेपाल तक, इंडिया से लेकर नेपाल तक बनाता है। नेपाल तक। और आपका नाम क्या हुआ अंकल? कमल प्रसाद मूर्तिकार। कमल प्रसाद मूर्तिकार। तो देखिए और आगे आपको दिखाते हैं। मनापति सीतामढ़ी। तो दोस्तों देख सकते हैं यह है शिव जी का प्रतिमा जो अभी तैयार हो रहा है, और ये देख सकते हैं गरुड़ है, इन पे विष्णु भगवान इसी पे विराजमान होंगे। यह भैंसा, इस पे महिषासुर राक्षस जो है वो बैठेगा, और ये हाथी है। सकते हैं कल ये छवि आपको मेरे ब्लॉग पे देखने के लिए मिलेगा। अभी ये रेडी हो रहा है मूर्ति, और कल शाम तक ये रेडी हो जाएगा। मेरे यहाँ है, क्या नाम हुआ भाई? राजेश कुमार। राजेश कुमार। घर? साथीगंज। साथीगंज में। तो अंकल कमल प्रसाद जी जो हैं मूर्तिकार, उन्हीं के साथी लोग हैं ये, और साथ में मिलकर मूर्ति का निर्माण करते हैं, तो काफ़ी सुंदर व्यू देखने के लिए मिलेगा कल आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे वीडियो में आपको कल शिवरात्रि का पूरा फुटेज मिलेगा और काफ़ी अच्छा तरह से ब्लॉग आपको मिलेगा इस चैनल पे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं आगे, धन्यवाद।